हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गाइस। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह टैग पर। सो गाइस, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ आसूस का आरओजी फुल्ली गेमिंग लैपटॉप। सो गाइस, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही कमाल का लैपटॉप है। ब्यूटीफुल लुक एंड ब्यूटीफुल डिज़ाइन। मॉडल है इसका G713, यानी कि ये 17 इंच का लैपटॉप है। ओके गाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही हैवी और पावरफुल लैपटॉप है G713QC। ओके, H सीरीज का मॉडल है। सो गाइस 51T। सो गाइस, इधर राइजन 7 प्रोसेसर है इसमें। गाइस, ये मार्केट में आपको बड़े आराम से 1 लाख 2000 1 लाख 3000 के अप्रोक्स मिल जाएगा। जो आप देख सकते हैं बॉक्स में इसका MRP दिया है 1,29,999 रुपीज़। सो गाइज, अगर आपने मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को मेरे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाइज, जैसे देख सकते हैं आप, यहाँ पर कंपनी ने डिस्क्रिप्शन में दिया है राइजन 7 प्रोसेसर 5800H। ओके, और इसमें कंपनी ने दिया है 8GB रैम, 1TB SSD, 3050 ग्राफिक दिया है, 4GB RTX, NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB, ROG फुल्ली गेमिंग लैपटॉप। चलिए हम इसको अनबॉक्स करते हैं। मैंने ब्लेड से इसको कटर ऑफ किया है। सो गाइज, लैपटॉप बहुत ही अच्छा है और बहुत ही पावरफुल है। ये इसका स्क्रीन है 17.3 इंचीज, यानी कि 17 इंच का लैपटॉप है 17.3 इंचीज। सो गाइस, देख सकते हैं आप, लैपटॉप अनबॉक्स हो गया है। देखते हैं इसके बॉक्स में क्या दिया है। यहाँ पर कंपनी ने इस साइड में कुछ नहीं है, अनदर वन साइड। वाओ, इज देयर आसूस आरओजी एडेप्टर मींस चार्जर। देख सकते हैं हैवी बिल्ड ड्यूटी चार्जर है और 200 वॉट्स का है विद मैन्युफैक्चर्ड बाय आसूस। दिस इज आसूस चार्जर मैन्युफैक्चर्ड बाय आसूस, 200 वॉट्स। कैन यू सी दिस आसूस। सो गाइज, बहुत ही हैवी पावरफुल चार्जर है, बैटरी बैकअप के लिए स्ट्रॉन्ग है एंड पावर केबल ऑल्सो। सो गाइज, बैटरी बैकअप लैपटॉप के लिए बात कहूँ तो 6 to 7 hours बैटरी बैकअप। ये आपके लिए प्रोग्रामिंग वगैरह डिजाइनिंग में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। कोडिंग वगैरह, किसी भी तरीके का वीडियो एडिटिंग, मिक्सिंग, सब चीज़ में आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेगा। सो गाइज, यहाँ पर मिल जाता है आरओजी एस्ट्रिक्स का हमें कुछ यूज़र गाइड्स। दो तीन तरीके की यूज़र गाइड्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। सो गाइज, लैपटॉप मेरे हैंड में आ चुका है। बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, फुल्ली देख सकते हैं आप कितना हैवी दिख रहा है। चलिए मैं इसको पॉलिथीन से आउट करवाता हूँ। सो गाइज, ये पाउच आउट हो गया है यहाँ पर। आई विल रिमूव द पॉलिथीन। सो गाइज, ये फुल्ली गेमिंग लैपटॉप है। 8GB रैम, 1TB SSD, NVMe M.2 एंड 4GB डेडिकेटेड ग्राफिक। वाओ, सो ब्यूटीफुल लैपटॉप, हैवी बिल्ड क्वालिटी डिज़ाइन, ROG Strix 17। Rest your gameplay with now 144Hz refresh rate, fully RGB keyboard. देख सकते हैं Dolby sound, digital Dolby sound के साथ है, silent cooling fan and ROG logo. Wow, जबरदस्त logo design. Can you see this ROG logo? Wow, it's a beautiful logo. And this is the ROG band. Now see, this is flap ROG. ओके, देर इज़ अ डिज़ाइन फॉर ROG इन टाइपिंग। और पैनल के नीचे मिलता है हमें RGB लाइटिंग। नाउ सी दिस RGB लाइटिंग एंड बिग कूलिंग डिज़ाइन ऑल्सो। पैनल के नीचे मिलता है हमें काफ़ी अच्छा कूलिंग डिज़ाइन मिलता है, ज़बरदस्त, एंड रबर ग्रिपिंग ऑल्सो। देर इज़ अ मॉडल नंबर, पैनल के नीचे ही मॉडल नंबर मिलता है एंड ROG लोगोज। All over 4 zone is cooling system and this is music system, left and right panel के नीचे मिल जाता है हमें, और back side panel पर मिलता है हमें fully air vent and charging port, beautiful charging and LAN port, ये भी बहुत heavy and with HDMI and Type-C and 3.0 USB
एंड जबरदस्त कूलिंग सिस्टम गाइस, माइंड ब्लोइंग। बहुत ही हैवी कूलिंग सिस्टम है, 4 जोन कूलिंग ओवर देयर। और लेफ्ट साइड की बात करूँ, 3.5 mm साउंड जैक, 3.0 USB, 3.0 USB, 2 USB पोर्ट एंड विद कूलिंग सिस्टम। सो गाइस, बड़ा ही कमाल का लैपटॉप है, हैवी बिल्ड क्वालिटी में है, बहुत ही ज़बरदस्त ब्यूटीफुल लुक दिख रहा है। चलिए अब हम इसका फ्लैप ऊपर करते हैं गाइस। यहाँ देख सकते हैं आप कितना प्यारा लुक दिख रहा है गाइस लैपटॉप का। और रैम की बात करूँ तो गाइस, इसमें रैम अपग्रेड कर सकते हैं आप, 32 GB, 16 GB की 2 RAM अपडेट कर सकते हैं। कैन यू सी दिस, वाओ, राइजन 7 8 कोर प्रोसेसर। You know that 8-core processor is this quad-core processor and Wi-Fi 6. यहाँ मिल जाता है हमें Ryzen 7 का logo, 5000 series RTX graphic logo and इसके hinge मिलते हैं हमें metal के। So guys, fully RGB keyboard है, panel के ऊपर cooling system दिया है, fully RGB keyboards के साथ है। Okay, backlight RGB keyboard and power of switch and narrow bezel display also, 17.3 inches full HD IPS panel, refresh rate 144 Hz। So guys, बड़ा ही कमाल का beautiful laptop है, heavy quality के साथ and specification is mind blowing, बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, मैंने laptop को boot किया है यहाँ पर, तो इसका RGB lighting start हो गया है on, panel के नीचे भी है, मतलब base में भी RGB मिल रहा है हमें fully and keyboard is RGB। कैन यू सी दिस RGB कीबोर्ड। और यहाँ मिल जाता है हमें ROG का लोगोज। तो गाइज, ये जब लैपटॉप बूट हो रहा है, जब तक मैं इसकी इंफॉर्मेशन के बारे में और बता देता हूँ आपको गाइज, इसमें कंपनी ने 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया है हमें, RTX 3050 4 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, GeForce RTX डेडिकेटेड GPU एंड 8 GB RAM, 32 MHz। ओके, रैम हम गाइज इसमें अपग्रेड भी कर सकते हैं, 16 GB भी 32 GB तक रैम अपग्रेड हो जाएगा 32 MHz की। एंड 1 TB SSD ऑल्सो इनसाइड, 1 TB SSD, ओके, 1 TB SSD NVMe M.2 इनसाइड। एंड इसमें जो मिलता है हमें GPU ग्राफिक में मिलता है NVIDIA का भी और इंटेल, ओ माफ़ कीजिएगा, Ryzen का भी हमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक मिलता है, Ryzen 7 प्रोसेसर का। सो गाइस, बड़ा ही अच्छा लैपटॉप है और विंडोज़ हमें लाइफ टाइम मिलता है इसमें, प्लस हमें इसमें MS ऑफिस भी मिलता है ट्रायल वर्जन, और हमें इसमें मिलता है मैक कैफे एंटीवायरस, वो भी ट्रायल वर्सेस। सो गाइस, इसके बारे में चेकिंग भी कर सकते हैं मेरे अकाउंट्स में, मतलब मींस मेरे अबाउट बॉक्स में जा करके, आप इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी लैपटॉप के बारे में, लैपटॉप के फीचर्स फंक्शन के बारे में। सो गाइस, बहुत ही अच्छा लैपटॉप है, प्रोग्रामिंग, डिजाइनिंग एंड कोडिंग एंड मिक्सिंग, एडिटिंग एंड गेमिंग ऑल्सो, ईच एंड एवरी थिंग इज कैन डू इट इन दिस लैपटॉप। तो सो गाइस, द लैपटॉप देखिए हमारी बातों बातों में बूट हो गया है, बहुत जल्दी से बूट हो गया है लैपटॉप, फुल्ली विद ड्राइवर्स के साथ। ओके, तो गाइस, ये लैपटॉप बड़े कमाल का है और बहुत ही अच्छा है और बहुत ही ग्रेट परफॉर्मेंस है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस, मतलब परफॉर्मेंस की मैं बात बता नहीं सकता आपको, बहुत ही बहुत अच्छा है गाइस। इसका Ryzen 7 जो प्रोसेसर है, ओके, 8 कोर प्रोसेसर है, ज़बरदस्त प्रोसेसर है सर, कोडिंग डिजाइनिंग में बहुत सपोर्ट करता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके परफॉर्मेंस क्या दिखा रहा है। यहाँ पर Ryzen 7 देख सकते हैं, 5800H प्रोसेसर, और यहाँ पर देख सकते हैं हम इसका GHz वगैरह कैसे स्पीड को बूस्ट अप कर रहा है, किस तरीके से फ्रिक्वेंसी को अप टू बूस्ट कर रहा है। ये जैसा लोड रहेगा वैसे ही गाइज ये अप टू बूस्टिंग जाएगा, अप टू बूस्ट लेगा। और देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर 8 GB रैम है, ओके, 3200 MHz की सिंगल रैम है इसमें 8 GB। तो गाइस, आप इस रैम को अपग्रेड भी कर सकते हैं बड़े आराम से। और यहाँ मिल जाता है सैमसंग का हमें 1 TB SSD, 1 TB इसमें सैमसंग का SSD मिलता है। सो गाइस, इस SSD का भी आप यहाँ पर स्पीड देख सकते हैं गाइस, लैपटॉप बहुत बढ़िया है हर तरीके से। यहाँ पर NVIDIA GeForce RTX 3050 डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड मिल जाता है हमें, ओके। और गाइस,
हाँ, इसमें राइजन का भी इंटीग्रेटेड जीपीयू मिल जाता है हमें, राइजन का इंटीग्रेटेड जीपीयू। सो गाइस, रेफ्रेश रेट स्क्रीन का है 144 हर्ट्ज़, 17.3 इंचेस डिस्प्ले, फुल एचडी आईपीएस पैनल के साथ है, एंटी क्लियर डिस्प्ले है, विंडोज 10 होम बेसिक के साथ है, 64 बिट्स, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलता है हमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के साथ, एंड मैक कैफे एंटीवायरस ऑल्सो इनसाइड। सो गाइज, अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा है तो कमेंट्स में लिखिए, और जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको दूंगा। आप मेरे से जुड़े रहेंगे तो आपको न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजीज के साथ मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। सो गाइज, आपको मेरा वीडियो लगा अच्छा लगा तो वीडियो को मेरे लाइक करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गाइज, मैं आपके लिए एवरीडे न्यू लैपटॉप न्यू वर्जन के वीडियोस लेके आता रहता हूँ, न्यू इन्फॉर्मेशन न्यू टेक्नोलॉजी के साथ। सो गाइज, आपने मेरा वीडियो एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गाइज़।